अब ये कैलाश की टोपी मेरे साथ मौजूद हैं अजरा अजरा महक हमें इस वादी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं। अभी हम अपनी कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करके अजरा आप कितना बड़े बड़ी कितना है ओ अभी 10 बजे के अच्छा अजरा मैट्रिक की स्टूडेंट है और मैं अभी मैं यहाँ स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं 4 महीने फ्री हूँ इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ बच्चों को सिखाऊँ इसलिए मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ। छुट्टियों में आप बच्चों को सिखा रही ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि इतनी खूबसूरत ये वादी है जगह जगह पे पहाड़ हैं खेत वगैरह हैं ऐसा नहीं है कि मतलब अभी भी जैसे हमने देखा कि आप यहाँ पे मौजूद थे कोई किसी किस्म का कोई थ्रेट कोई डर कि मतलब खुदा ना खास का मतलब कोई होता है ना मतलब उनको डर होता है कोई आपको यहाँ पे कोई किसी किस्म का खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं यहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा सुकून है ऐसी कोई यानी लोग सिविलाइज में कोई किसी को कुछ नहीं कहता खवातीन की इज्जत का एहतराम करते हैं। अच्छा आपके किसी किस्म की पाबंदी पढ़ने के ऊपर कि आप नहीं पढ़े आगे आप तालीम जाने की पाबंदी है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि मेरे फैमिली वाले बहुत सारे कह रहे हैं कि आप अच्छे पढ़ो और मेहनत करो हार्ड वर्किंग करवाए वो तो कह रहे थे आगे पढ़ो ऐसी कोई बात नहीं पाबंदी या ऐसी चीज़ नहीं करता है क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो फैमिली भाई सारे मुझे कह रहे कि आप ही अच्छे पढ़ो तो इसलिए मैं हॉस्टल में रहती हूँ किसान में पढ़ती हूँ और वहाँ पढ़ के अभी मैं छुट्टियों में यहाँ आई हूँ घर में सिर्फ छुट्टियों में आती हूँ और बाकी टाइम में हॉस्टल में रहती हूँ। सही जबरदस्त एक अहम सवाल वादी कैलाश में हम देखते हैं कि यहाँ के इंसानों की बहुत ज़्यादा जगह है इंसानों का ऑनर है उनका नापसंद का फैन है। अजरा से भी पूछेंगे कि यहाँ पे जैसे कि लड़के और लड़की की शादी के बारे में उनकी राय का बड़ा एहतराम किया जाता है पूछते हैं अजरा से कि क्या इनके ऊपर अभी से तो पाबंदी है कि इस रात में शादी नहीं करनी फैमिली से बाहर शादी नहीं करनी आपने ये नहीं करना वो नहीं करना ठीक है किसी किस्म की तो पाबंदी है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं ये तो हमारी मर्जी है शादी करनी हो तो करना है नहीं करनी अपने हमारे माँ बाप कोई भी ऐसा मतलब पाबंदी नहीं लगाते कोई ये नहीं करना चाहता कोई जोर नहीं हमारे यहाँ ऐसे है कि जो कज़न वगैरह है उनकी शादी नहीं करते जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके करते हैं। अच्छा फर्ज करें कोई ज़ात बरादरी में नहीं भी है तो इसका मतलब है पाबंदी नहीं है आपका जहाँ दिल करे आप शादी कर सकते हैं। एक और बात मुझे बताइए कि हमने कुछ खबरें सुनी थी कि यहाँ के लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो मुसलमान हो गए ठीक है ऐसा है? नहीं ऐसे पता नहीं ऐसे कैसे पहले तो ऐसी थी लेकिन अभी नहीं पहले ऐसे थे हमारे यहाँ एक लड़की मुसलमान हो गई उसकी वजह से पूरे कराचियों को चलाने के लिए वो तैयार हो गए थे मुसलमान लेकिन अभी नहीं है अभी तो बस मुसलमान और कलाश बहन भाई है एक दूसरे के साथ इत्तेफाक है और सुकून जी। अच्छा हमें यहाँ के स्टैटिस्टिक्स से पता ये चला है दादू शुमार जो हमारे सामने आए हैं वो ये है कि कैलाश में जो है मैक्सिमम जो अमन है और यहाँ पे बहुत ही कम केसेस हैं जहाँ पे खासतौर पर खवातीन के साथ भी कोई ऐसी चीज़ हुई है जैसे कि इस साल सिर्फ 2 ऐसे केसेस हैं जो कि अगवा की रजिस्टर्ड हुए हैं अदरवाइज़ कोई और केस नहीं है बल्कि हमें इसको ये भी पता चला है कि कैलाश के लोगों की तरफ से इवन कोई कंप्लेंट भी नहीं ठीक है कोई शिकायत नहीं है थानों में सही बात है सही है। आप लोगों को यहाँ पे कोई किसी किस्म के मसले मसाए नहीं ऐसी कोई बात नहीं हम बहुत आराम से रहते हैं बहुत आप कोई बात कहना चाहेंगे आपको लगता हो कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई टेक्निकल एजुकेशन जैसे फर्ज करें सिलाई कढ़ाई के सेंटर होने चाहिए या कुकिंग क्लासेस होनी चाहिए न्यूट्रिशन की कोर्सेज होनी चाहिए या कोई और मतलब आपको लगे कंप्यूटर कोर्सेज या कोई और अहम चीज़ें? कंप्यूटर कोर्स तो होती है लेकिन न्यूट्रिशन वगैरह और फिर कुकिंग ये नहीं होती तो क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए क्यों नहीं अभी तो मॉडर्न ज़माना है तो सब कुछ होना चाहिए ना। सही। अच्छा मुझे पता चला कि हमारे साथ एक गाइड थी मुझे उनका पता चला कि वो उन्होंने इसके लिए बतौर गाइड उन्होंने सर्टिफिकेट लिया और मैं तो ट्रेनिंग ली हुई है तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए? होनी चाहिए क्यों नहीं मैं तो कह रही हूँ कि लड़कियों को लड़कों से कुछ कोई भी हो उनको चाहिए कि हर एक ट्रेनिंग में वो मतलब शामिल हो जाए और मुझे पसंद है हर एक चीज़ के मतलब हिस्सा लेना लेकिन
आए थे, मैं भी जाना चाहते थे, लेकिन घर में कहा कि लड़कियों के लिए सभी तो मैंने सोचा कि पापा जो थी कौन थी, मुझे ये बताएं कि हमें कल भी और परसों भी पता चला कि यहाँ पे अगर कैलाश लोगों के कुछ मसले मसाइल हों तो उनके मसले मसाइल के हल के लिए यहाँ पे जो जगह है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो जगह है वो उसके ऊपर फैसला करते हैं, तो जगह जो भी फैसला करे वो आप लोगों के मुकाबले कबूल होता है, क्यों नहीं उसके मुताबिक तो आप लोग मतलब ऐसा तो नहीं होता कि एक जगह जो है वो आप बिल्कुल बाइस को एक बंदे के फेवर में कोई फैसला कर लें मतलब ये कि लड़के का जो भी फैसला होता है वो होता है वो गैर जानबदार होता है, ईमानदारी से इस तरह के फैसले किए जाते हैं जो कि इन लोगों के लिए काबिले कबूल है। तो जाहिर है अगर इस तरह के लोग यहाँ पे हों तो फिर कौन सी ऐसी जगह है कि यहाँ पे